दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में वाइन कैसे बनाई जाती है? और क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में विस्की कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम वीडियो में आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के विस्की और वाइन के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर हम विस्की के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो विस्की को बनाने के लिए कम ही इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन विस्की को पूरी तरह से तैयार होने में काफी समय लगता है। विस्की के जो सबसे खास इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बैरली, यानी कि जो सबसे पहले जो को एक बड़े से टैंक में पानी की हेल्प से बॉयल किया जाता है, फिर उस पानी को ठंडा होने के बाद उसे वापस से फिर से उबाला जाता है। इस प्रोसेस को कई बार किया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर में ईस्ट को डाला जाता है। ईस्ट डालने का कारण ये है कि इसमें मौजूद शुगर की मात्रा खत्म होने लगती है और अल्कोहल की मात्रा इंक्रीज होने लगती है। इसे फिर से अच्छे से गर्म किया जाता है और इसमें मौजूद अल्कोहल भाप बनकर उड़ने लगती है, जहां इस भाप को दूसरे कंटेनर में कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इस विस्की को बैरल्स में भरकर स्टोर किया जाता है। आपको एक और बात बता दें, इन बैरल्स को अंदर से जलाया जाता है ताकि विस्की को उसका फ्लेवर और टेस्ट मिल सके। फिर विस्की से बने इन बार को गोडाउन में 3 से 4 साल तक रख दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि इससे विस्की में टेस्ट और कलर आता है। दोस्तों, अगर आपने कभी विस्की ट्राई किया हो तो आप जानते होंगे कि विस्की जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। नंबर 1, बॉलन वाइन मेकिंग। दोस्तों, कंपनी की ओर से आने वाली ये वाइन एक विदेशी वाइन है। ये वाइन इतनी पॉपुलर है कि इस वाइन के शौकीन पूरे दुनिया भर में 160 देशों में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसको बनाने की प्रोसेस की शुरुआत वॉल्यूम वाइन स्टेट के भागों से होती है, जहां से रेड और व्हाइट वाइन बनाने के लिए अंगूरों को इकट्ठा किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले एक हार्वेस्टर मशीन की मदद से वाइन को पौधों से तोड़ के एक बड़े से बकेट में भर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी अंगूरों को एक जूसिंग मशीन में डाल दिया जाता है। जूसिंग मशीन सारे अंगूरों का जूस निकालकर फर्मेंटिंग कंपार्टमेंट में रखे स्टील टैंक में भर देती है। अब बारी आती है वाइन मेकिंग के सबसे क्रिटिकल स्टेज की। इस स्टेज को सबसे क्रिटिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही स्टेज डिसाइड करता है कि वाइन की क्वालिटी कैसी होगी। सबसे पहले इन बड़े टैंकरों में रखे ग्रेप्स जूस में ईस्ट मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये ग्रेप जूस में स्टार्टर्स की मात्रा को कम करती है। अब अगले 3 हफ्ते तक इस चीज को एक टैंकर में अच्छे से पैक करके सील कर दिया जाता है। हीट की वजह से जूस फर्मेंट हो जाता है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद इस चीज को इस टैंकर से निकाल के बाहर एक दूसरे टैंकर में रखा जाता है, जहां इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। दोस्तों, एक वाइन में जितना ही ज्यादा शुगर लेवल होगा उतना ही इसमें कम अल्कोहल की मात्रा होगी, लेकिन एक अच्छी वाइन बनाने के लिए इन दोनों के लेवल का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्शन के पूरा हो जाने के बाद इस वाइन को कुछ महीनों तक मैच्योर किया जाता है। इसके बाद इसे इन चमचमाती बोतलों में भरकर कोक लगा दिया जाता है। फाइनली ये वाइन बाजार में बिकने के लिए तैयार है। अगर हम इस वाइन की कीमत के बारे में बात करें तो ये वाइन आपको बाजार में लगभग 7,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। नंबर 2, ग्लेनफिडिच विस्की मेकिंग। दोस्तों, ये विस्की स्कॉटलैंड की एक बहुत ही मशहूर विस्की है। इस विस्की को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इस विस्की को स्कॉटलैंड के द ग्लेनफिचर डिस्टिलरी में बनाया जाता है। इस विस्की का मात्र इंग्रेडिएंट्स माल्टेड बार्ली, यानी कि जो है। सबसे पहले ढेर सारे जो को एक बड़े से कंटेनर में भरे पानी में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में इसे 2 दिन तक शेक किया जाता है। इन 2 दिनों के बीच जाने के बाद इस कंटेनर को 64 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। अच्छी तरह गर्म हो जाने पर इस सॉल्यूशन में लिक्विड ईस्ट मिलाई जाती है। ईस्ट मिलाने के कुछ देर बाद वर्कर एक लंबी सी क्लास में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जहां इस सॉल्यूशन को हाइड्रोमीटर से टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में बार्ली वाटर में अल्कोहल की मात्रा को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में पास हो जाने पर सभी लिक्विड को रिपेयरिंग कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां आप इन्हें सुराही से दिखने वाले बड़े बड़े फनल में डाल दिया जाता है, जहां अब इन्हें ब्लडिंग के लिए ले जाया जाता है। इस मशीन के हर एक पार्ट को कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बार्ली वाटर में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाने के लिए लिक्विड फ्लेवर ऐड किया जाता है, जो कि विस्की को एक शानदार टेस्ट हमें देता है। उसके बाद विस्की को छोटे छोटे कंटेनर में भरकर एजिंग गोडाउन में रख दिया जाता है, जहां उन्हें 3 से 18 सालों तक रखा जाता है। ऐसा करने से वाइन का टेस्ट और अरोमा कई गुना बढ़ जाता है। अब लंबे समय तक एज रखने के बाद इन्हें इन कंटेनर से निकालकर पैकेजिंग के लिए बोतलों में भर दिया जाता है।
दोस्तों इस विस्की की कीमत काफी ज्यादा होती है। अगर हम इस विस्की की कीमत की बात करें तो इस विस्की की कीमत तकरीबन 5000 रुपए है। नंबर 3, मार्कस मार्क विस्की। दोस्तों ये विस्की अपने आप में एक बेहद लोकप्रिय विस्की है। इस विस्की को केंटुकी नामक जगह पर बनाया जाता है। इस विस्की की सबसे खास बात यह है कि इसमें अल्कोहल के साथ साथ एक हिस्टोरिकल एसेंस भी मिलाया जाता है। इस विस्की के इंग्रेडिएंट्स 3 अलग अलग तरह के ग्रेन्स हैं। इस इंग्रेडिएंट्स में कॉर्न यानी कि मक्का सबसे मेन है। इसमें अगर हम मक्का के बारे में बात करें तो इसमें 50% से ज्यादा मक्का होता है। विस्की बनाने की शुरुआत एक स्टेनर से होती है जहां ग्रेन्स में से इम्प्यूरिटीज को छान कर अलग कर लिया जाता है। साफ हो जाने पर सभी अनाजों को एक क्रश मशीन में डाल दिया जाता है जहां इन सभी ग्रेन्स को क्रश करके इनका पाउडर तैयार किया जाता है। इस तरह से क्रश करने से ग्रंथ में मौजूद पूरा स्टार्च अच्छी तरह से मिल जाता है। अब बने हुए पाउडर को एक बड़े से ब्लेंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां वाटर के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। लगातार 5 मिनट ब्लेंड होने के बाद कंटेनर के ठीक ऊपर लगे एक पाइप से सॉल्यूशन में ईस्ट ऐड किया जाता है जिससे कि इस सॉल्यूशन को फॉर्मेट करके अल्कोहल को बनाया जाता है। 8 से 10 मिनट के बाद ईस्ट अपना जादू दिखा देता है। अब फाइनली इस सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सपोज करके इनमें से बबल्स को खत्म कर दिया जाता है और फाइनली फर्मेंटेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है जिससे कि अब हमारा अल्कोहल तैयार हो जाता है। इसके बाद तैयार हुए लिक्विड को डिस्टिलाइज करके इंस्पेक्शन के लिए इसका सैंपल ले लिया जाता है। डिस्टिलाइज की हुई विस्की बिल्कुल सिंपल होती है यानी कि पानी की तरह कलरलेस होती है। लैब में इस विस्की को अलग अलग तरह से टेस्ट किया जाता है। फाइनली टेस्ट में पास हो जाने के बाद इसको एजिंग कंटेनर में भर दिया जाता है जिन्हें आगे चलकर 10 से 20 साल के लंबे समय तक मैच्योर किया जाता है जिससे विस्की की क्वालिटी में गजब का टेस्ट आता है। नंबर 4, जैक डेनियल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों विस्की बनाने वालों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस ब्रांड के बारे में ना जानता हो। जैक डेनियल एक अमेरिकन विस्की ब्रांड है। इस विस्की को दुनिया भर में 140 देशों में पसंद किया जाता है। इस विस्की की सबसे खास बात है इनकी स्ट्रांगनेस। आमतौर पर सभी विस्की ग्रेन्स से बनाई जाती है लेकिन फर्क इतना है कि हर कंपनी अलग अलग तरह की ग्रेन्स का इस्तेमाल करती है। जैक डेनियल्स विस्की बनाने के लिए कॉर्न और बार्ली माल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत एक बड़े मेटल टैंक से होती है जहां इन तीनों प्रकार के ग्रेन्स को डाल दिया जाता है। इस मशीन में लगे क्रशर इन ग्रेन्स को पाउडर में बदल देते हैं। नए तैयार हुए फाइन पाउडर में से स्प्रिंग वाटर को ऐड किया जाता है। इसके बाद इसमें ईस्ट पाउडर भी ऐड किया जाता है। ईस्ट ऐड करने के बाद कुछ समय के अंतराल में इसे कंप्यूटर के जरिए टेस्ट किया जाता है जहां पूरे 3 घंटे के बाद इस कंटेनर के लीड को खोल दिया जाता है जहां हमारे सामने एक फर्मेंटेड पेस्ट तैयार होता है। दोस्तों आप इस बबली पेस्ट को उबलता हुआ देख सकते हैं। ये उबाल इसमें मौजूद हीट के कारण नहीं बल्कि इसमें मिलाई गई ईस्ट के एक्शन के कारण हो रहा है। अब बारी आती है इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस की। तो दोस्तों इस प्रोसेस में स्टार्ट और अल्कोहल को अलग किया जाता है ताकि विस्की को और भी ज्यादा नशीला बनाया जा सके। इस प्रोसेस में विस्की को इतना हीट किया जाता है कि इसमें मौजूद पानी और अल्कोहल बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फाइनली वेपराइज्ड अल्कोहल को ठंडा करके इसको दोबारा लिक्विड स्टेज में ले जाया जाता है जहां इनको एक गोडाउन में कंटेनर में बंद करके एक बैलेंस टेम्परेचर में रख दिया जाता है। एजिंग के बाद बनकर तैयार हो जाती है अब आपकी पसंदीदा जैक डेनियल विस्की। फाइनली अब इसे बोतलों में भरकर मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि फैक्ट्री में विस्की और वाइन को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।